गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। जिसने भी लगाई बस उसकी तकदीर लगे, चरण की धूल भक्तों के तुम पे गुरु जितना है
बोले परंतु तो पात्र श्री विवेदन सागर जी महाराज की जोरदार तालियां बजाएंगे दीदी जी के लिए। लीजिएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में। रात द्वेष की बेतरदी में डूब रहे थे हम बच्चे, वीत राज की नैया लेकर आन पधारे गुरु सच्चे। शुभाशीष का हाथ बढ़ाकर दिया जिन्होंने हमें आधार, ऐसे गुरुवर विभिन्न सागर जी को वंदन हमारा बारंबार, ऐसे गुरुवर विभिन्न सागर जी को वंदन हमारा बारंबार। दीजिए हाथ जोड़ेंगे, बोलिए गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सकल दिगंबर जन समान आपके श्री चरणों में कोट से नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की मन की कृपा करें। कुछ नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। ॐ नमो अरिहंताड़ं ॐ नमो सिरिसिद्धाड़ं ॐ नमो अयरियाड़ं ॐ नमो वज्रायाड़ं ॐ नमो लोये सवेसावुरम। जय बोलो नंदन से परमेश्वरी भगवान की, ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गुणाचार्य श्री वीरांग सागर जी महामुनि राज की, चरण श्रोमणी आचार्य श्री विश्वदेव सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, समोसरण महामंडल विधान की। जय बोली परम पूज्य उपाध्याय श्री स्वार्थ श्री विभिन्न सागर जी महामुनि राज की, समस्त उपाध्याय संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन इस वर्ष के भादो के महीने के 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन, मोक्ष मेल का अंतिम सोपान है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है, आत्मा में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है, आत्मा में तल्लीन होना ही ब्रह्मचर्य। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मुनिराज बताइए आपने अपनी भरी जवानी में सन्यास क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी, आपने तो अभी देखा ही नहीं कुछ, आपने संसार देखा नहीं, समाज देखा नहीं, आपने विषय इंद्रिय देखी नहीं, भोग भोगे नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भोग पूरे होते हैं। जिसने भोगों को देखा ही नहीं वो कैसे कह सकता कि भोग पूरे होते हैं। तो मैंने उससे प्रति प्रश्न किया, मैंने कहा मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, पहले उस प्रश्न का जवाब दो ना। बोले हाँ पूछिए। मैंने कहा तुमने कभी जहर पिया है, मैंने कहा तुमने कभी जहर पिया है, बोला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पिया, बोला पीऊंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि भाई जहर पियोगे तो तुम मर जाओगे, मैं बोला मुझे विश्वास है कि मैं जहर पीऊंगा तो मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा मुझे विश्वास है, वासना है जहर है, इसलिए वासना को छोड़कर ही उत्तम ब्रह्मचर्य धारण कर ही आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। बहुत से तपस्वी साधु हुए, अन्य धर्म में भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस व्रत को पालन किया। एक शुक्रदेव हुए हैं, शुक्रदेव मात्र 20 वर्ष की उम्र में साधु बन गए, नग्न दिगंबर साधु, अलौकिक संत, दीक्षा ली थी।
ऐसे ऐसे साधु हुए जो छोटी छोटी उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर साधना कर रहे थे। वो शुक्रदेव दिगंबर मुनि थे लेकिन नग्न साधु थे, नग्न साधु थे। उन्होंने सब परिग्रह का त्याग करके और अपने आप में लीन होने के लिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करके सन्यासी बन गए। एक बार वो नदी किनारे से निकल रहे थे तो उस नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जब वो निकले उन स्त्रियों ने उनको देखा, कुछ नहीं किया और वो शुक्रदेव आराम से निकल गए, अपने अंतरंग में अपनी आत्मा में लीन होकर निकल गए। उनके पास शुक्रदेव के पिता आए, वो भी सन्यासी थे। वो शुक्रदेव के पिता जब निकले तो वहां जो स्त्रियां स्नान कर रही थी उन स्त्रियों ने अपने तन को वस्त्र से ढक लिया, तो पिता पर रहा नहीं किया। शुक्रदेव के पिता ने पूछा, उन लोगों से कहा कि क्या हुआ, मेरे आने पर जब मेरा बेटा निकला तब तो आपने कुछ नहीं किया और जब मैं निकला तो मेरे आने पर आपने वस्त्रों से अपने तन को ढक लिया, ऐसा क्या क्या कारण हुआ? तो मालूम स्त्रियों ने क्या जवाब दिया, आपकी निगाहों ने हमारे लिए हमारे कपड़े संभलवा दिए और हमारे तन को ढकने के लिए मजबूर कर दिया। आपकी नियत हमें तन पर वस्त्र डालने पर मजबूर कर रही है, आपकी दृष्टि हमें तन को ढकने के लिए मजबूर कर रही है। महानुभाव, अपनी दृष्टि को संभालने की आवश्यकता है। आज का यह धर्म ब्रह्मचर्य धर्म हमें यही सिखाता है कि अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, निर्मल करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी निगाहें और अपनी नियत को संभाल कर रखने से है, वही ब्रह्मचर्य है। जहां अपनी नियत समझ जाए और अपनी निगाहें समझ जाए वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। जो निर्विकार छोटे से नग्न बच्चे को देखकर माँ के अंदर पैदा होता है तथा माँ की गोदी में लेटे हुए उस बच्चे के भीतर पैदा होता है, बस ऐसा ही कुछ भाव एक दिगंबर सन्यासी और समाज के बीच हुआ करता है, ऐसा भाव हुआ करता है। और यही कारण एक दिगंबर मुनिराज भरी समाज में कहीं से भी नग्न अवस्था में अपने दिगंबर भेष में निकल जाता है, उसके मन में कोई मनोविकार नहीं आता है क्योंकि वो अपने समाज को माँ के तुल्य समझता है और समाज उस मुनिराज को अपने बच्चे के तुल्य समझती है। न समाज में विकार आता है न मुनि में विकार आता है, वो विकार से रहित होते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, निर्विकारी। जब ये व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप नग्न जाते हैं स्त्रियों के बीच में, तो स्त्रियों के बीच में जाते हैं तो उनमें दुर्भाव पैदा नहीं होता या आप में कोई दुर्भाव पैदा नहीं होता? तो मैंने कहा, जहां माँ बच्चे के सामने और बच्चे माँ के सामने निश्चल भाव से प्रेम दिखाती है उनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। एक लड़के के लिए माँ सामने खड़ी हुई है, बहन सामने खड़ी हुई है और पत्नी सामने खड़ी हुई है, तीनों ही स्त्रियां हैं लेकिन तीनों के प्रति भाव अलग अलग हुआ करती है, तीनों के प्रति दृष्टि अलग अलग हुआ करती है। एक के प्रति वात्सल्य है, एक के प्रति स्नेह है और एक के प्रति प्रेम है, दोनों में अंतर है। माँ के प्रति वात्सल्य है, बहन के प्रति स्नेह है और पत्नी के प्रति प्रेम है, तीनों के देखने की दृष्टि अलग अलग है। वो एक माँ अपने बच्चे को बच्चे के रूप में देख रही है, बहन भाई के रूप में देख रही है और पत्नी पति के रूप में देख रही है। व्यक्ति एक है लेकिन देखने वाली दृष्टि अलग अलग है। दृष्टि को देखने की बात आज का धर्म में दृष्टि सिखाता, आप दृष्टि को बदलने की कोशिश करें। एक सन्यासी और बच्चे में बस इतना ही अंतर होता है, एक सन्यासी में, एक बैरागी में और एक संत में और एक बच्चे में बस इतना ही अंतर होता है। बच्चे में विकार अभी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा छोटा है उस बच्चे में विकार
पैदा नहीं हुआ और जो सन्यासी है उन विकारों को पैदा होने नहीं देता है तो सन्यासी हुआ करता है। एक के में तो पैदा हुई नहीं है और दूसरा पैदा होने नहीं देता है विकारी भावों को। सब कुछ हमारे ऊपर है, अपने मन के ऊपर है। अपने मन को अगर विजेता बना लिया, अपने मन के विजेता आप बन गए, आप सब कुछ कर सकते हैं। कितनी भी साधना, कैसी भी साधना, कठिन से कठिन साधना आप आसानी से कर सकते हैं। बरसात का मौसम था, बारिश का महीना था, एक जगह नदी भरी हुई थी और बहुत अधिक भरी हुई थी। उस नदी में एक युवती डूब रही थी। एक युवती, युवा अवस्था में लड़की जो है वो डूब रही थी। तभी वहां से एक साधु निकला, वृद्ध, एक युवा साधु था, एक वृद्ध साधु था। तो वो युवा साधु, उसने तुरंत नदी में छलांग लगाकर उस स्त्री को बचा लिया और बचाने के बाद उसको किनारे पर छोड़ दिया और वो चल दिया। जो दूसरा साधु था, वृद्ध साधु था, और वृद्ध साधु युवा साधु से कहता है, ओ तूने क्या कर दिया, ये तूने स्त्री को छोड़ लिया और तेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया और तू तो गया काम से, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो बैराग खत्म हो गया। वो पूरे रास्ते पर उसको सुनाता रहा और युवा साधु चुपचाप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब वो दोनों साधु अपने गुरु के पास पहुंचे तो गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। वृद्ध साधु ने पूरी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ, गुरुदेव ये बहुत बड़ा प्रायश्चित का अधिकारी है, इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसको तो प्रायश्चित, बहुत बड़ा प्रायश्चित मिलना चाहिए, वृद्ध साधु कहता है। युवा साधु हाथ जोड़े खड़ा हुआ है गुरु के पास। गुरु ने कहा, हे वृद्ध साधु, प्रायश्चित का अधिकारी वो नहीं, प्रायश्चित का अधिकारी तुम हो। बोले, गुरुदेव मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कैसे प्रायश्चित का अधिकारी हूँ, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, तो मेरी गलती नहीं है तो मेरा प्रायश्चित किस लिए, मुझे तो कोई प्रायश्चित नहीं मिलना चाहिए। बोले, नहीं, गलती तुम्हारी है और प्रायश्चित के अधिकारी तुम हो। उसने तो स्त्री को छुआ, उसने स्त्री को उठाया, उसने स्त्री को बचाया और नदी किनारे छोड़ के आ गया, लेकिन तुम तो स्त्री को लेकर यहाँ तक आ गए। उसने तो वही छोड़ दिया लेकिन तुम तो उसको यहां तक ले गए, प्रायश्चित के अधिकारी तो तुम हो। अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। अपनी दृष्टि बदल गई तो सब कुछ अच्छा नजर आने लगता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र मैथुन क्रिया का त्याग नहीं है कि मैथुन क्रिया का त्याग कर दिया ब्रह्मचर्य हो गया, नहीं। ब्रह्मचर्य का घात तो पांचों इंद्रियों से हो सकता है, स्वसन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रियों से विषय भोग हो सकते हैं। पढ़ा नहीं है क्या चौथा अध्याय तत्कार सूत्र का? देवों के बारे में नहीं पढ़ा, देव कैसे कैसे भोग करते हैं? देव शरीर से शारीरिक भोग भी करते हैं, ऐसे देव भी हैं जो स्पर्श से भी भोग करते हैं, ऐसे भी हैं जो देखने मात्र से भोग करते हैं, और ऐसे भी हैं जो कर्ण से शब्दों को सुनकर भी भोग कर सकते हैं। तो पांचों इंद्रियों से भोग वासना होती है, तो केवल मैथुन क्रिया को ही रोक देना ब्रह्मचर्य नहीं है। अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य व्रत है। पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है आपको, वरना इंद्रियों के विषय भोग में पड़े रहे, राम सोचे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने तो एक व्रत ले लिया बस ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया बस काम खत्म हो गया, नहीं। केवल उस क्रिया का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। अपने आप को रोकना आत्म कल्याण का नाम ब्रह्मचर्य है, आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है, पर आत्मचर्या का नाम ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा में चर्या करना, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर मतलब आचरण करना, अपनी आत्मा में उतरना, अपनी आत्मा में लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। जब मनुष्य नाभि से ऊपर का ज्ञान सदुपयोग में लाता है तो वह ज्ञान उसकी साधना बन जाता है, और जब नाभि से नीचे की ओर ऊर्जा का उपयोग करता है तो वह वासना में तब्दील हो जाया करता है। एक एक शब्द समझना,
हमारे पास वही ज्ञान है और वही ज्ञान हम साधना में लगाते हैं तो वह आत्म कल्याण कराएगा, और साधन में लगाएंगे तो वह पतन कराएगा। ब्रह्मचर्य की साधना ही मुक्ति का एक युक्ति है। जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी युक्ति है, सबसे बड़ा पहला कदम है कि ब्रह्मचर्य धारण करता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। ये इसलिए तो कहा गया सोदार संतोष नामक व्रत, ये श्रावक के लिए है। सोदार संतोष नामक व्रत ये है अपनी स्त्री और अपने पति में सीमित रहना, ये व्रत कहलाता है सोदार संतोष व्रत। उसमें भी और भी आप संयम धारण कर सकते हैं, कोई कितना भी नियम लेना चाहे, कोई साल भर का लेता है, कोई दो साल का लेता है, कोई एक महीने का लेता है, ये भी एक व्रत है। कोई अष्टमी चतुर्दशी पर्व का लेता है। अपने अंदर सीमित होते जाना, संयमित होते जाना, अपने आप को संयमित बनाते जाना, ये साधना कहलाती है। एक गृहस्थ में भी साधना की जा सकती है। महानुभाव, जो बालक व्रत निर्विकार रहते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग के देवता भी आकर नमस्कार करते हैं, ऐसी उनकी साधना की बात है। बालक व्रत जैसा बालक होता है, बचपन में बालक होता है, वह नग्न घूमता रहता है, इधर से उधर किसी के सामने भी कपड़े उतार देता है, नग्न होकर घूमता फिरता खेलता रहता है, उसके अंदर कोई विकारी भाव नहीं है, यही कारण है कि वो निर्विकारी कहलाता है। तो साधु के लिए भी बालक वत जीवन जीता है। साधु का एक नाम और है, मालूम कौन सा? यथाजात। यथाजात स्वरूप हो हम, यथाजात स्वरूप में साधु रहते हैं। जैसे उन्होंने जन्म लिया था, कोई भी आज तक ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ जो जन्म लेते ही कपड़े पहनकर आया हो। ऐसा कोई सुना आपने? कहीं का भी, चाहे देवों का हो, चाहे नारकियों का हो, त्रंज का हो, मनुष्यों का हो, कोई भी हो, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है वो वस्त्रों को लेकर आया हो, कपड़ों को लेकर आया हो, ऐसा कोई जीव है ही नहीं। ये तो ऊपरी आवरण है, ये तो यहाँ का आवरण है, जो आवरण डाल दिया जाता है। क्यों? उसके अंदर कसाएं भरी हुई है, उसके मन में पाप भरा हुआ है, उसके मन में वासना भरी हुई है, तो उस वासना को कोई देख ना ले, उस कसाय को कोई देख ना ले, उस वासना को कोई देख ना ले, इसलिए उस वासना को ढक दिया जाता है। तो ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन दिगंबर साधु के मन में कोई वासना नहीं है, इसलिए उन्हें कोई वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था अपनी साधना करते हैं, जो केवल अपनी शुद्ध आत्मा में ही, स्वरूप में ही रमण करते हैं, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्षण भर के लिए भी जिसकी दृष्टि बाहर नहीं है, ऐसा आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। भैया एवरेस्ट चोटी में कोई सीढ़ी बनी है? सीढ़ियां बनी है एवरेस्ट चोटी में जाने के लिए? कोई नहीं बनी, फिर भी लोग जाते हैं। कैसे जाते हैं? एक एक कदम संभाल संभाल कर रखते हैं। जब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ते हैं तो एक एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है, और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते 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 उस चोटी की मंजिल पर उस चोटी की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक एक कदम बढ़ते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, उस एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगती है, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम के बाद वो चोटी पर पहुंच पाता है। सच बताना, बहुत समय लगता ना? चढ़ने में बहुत समय लगता है। यदि चढ़ने के बाद ऊपर मंजिल पर पहुंच कर एक पैर फिसल जाए उसका, तो नीचे आने में कितना समय लगेगा? सेकंड भी नहीं लगेगा, धड़ा नीचे गिरेगा सीधा, और नीचे जाके फिर ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने में टाइम लगा, फिर नीचे आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पर्वत से नीचे की ओर आने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है, परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, बस जरा सा पैर फिसला और सीधा नीचे पहुंच जाते हैं। वैसे ही इन 10 धर्मों में एक एक कदम बढ़ के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक पहुंचते हैं, और ब्रह्मचर्य में अगर पैर फिसल गया तो 10 धर्म से नीचे व्यक्ति
नीचे गिर जाता है। इसलिए सबसे बड़ी साधना कोई बताई गई है वो ब्रह्मचर्य धर्म की साधना बताई गई है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसने धर्मत्व को जान लिया। धर्म भूमि का आरंभ ब्रह्म से ही होता है। उसने सबको जान लिया। संसार की असारता को जानने वाले व्यक्ति उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके कर्मों की निर्जरा करके उस मोक्ष मार्ग को मोक्ष पथ को प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए साधना करना बहुत जरूरी है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए और सीता का जब हरण हो गया तो सीता जब लंका लेके जा रहा था रावण तो सीता ने जो भी उनके आभूषण थे वो आभूषण नीचे गिराती हुई जा रही थी। और जब राम लक्ष्मण को ढूंढने के लिए गए तो रास्ते में उनको कुछ आभूषण मिलते गए तो राम ने आभूषण दिखाया लक्ष्मण को। बोले ये तुम्हारी भाभी माँ का है। कानों की बाली दिखाई। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता। और आंखों मुझे नाक का और गले का और बाजू बंद कंगन सबको दिखाया। एक एक करके मिलते जा रहे थे सबको दिखाया लेकिन कोई पहचानने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं मुझे नहीं मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। बार बार मना कर रहे थे लेकिन जैसे ही सीता की बिछिया मिली। क्या मिली? पैरों में पहनने वाली बिछिया। जैसे मिली राम ने दिखाई। बोले ये भाभी की है। हाँ हाँ भैया यही भाभी की है। अरे इतने सारे गहने दिखाए तो तुमने पहचाना नहीं। ये तुमने कैसे पहचान ली? तब लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने भाभी को कभी ऊपर देखा ही नहीं। मैंने तो हमेशा भाभी के चरणों की वंदना की है। इसलिए जब भी देखता था तो बिछिया ही देखता था। उस बिछिया पहचान जाता हूँ। वाल्मीकि रामायण का ना हम जानामि केवरे नेम जानामि कुंडले नुपरे तो जानामि नित्यम षड्भी वंदना। मैं नित्य उनके पादों की वंदना करता था इसलिए मुझे उनकी नुपुर याद है उनकी बिछिया याद है। पान भाव आदि पुराण ग्रंथ में कहा है विषयों से तो विष अच्छा। जो विष एक भाव समाप्त करता है लेकिन विषय तो ना जाने कितने भाव समाप्त कर देते हैं। सील से रहित व्यक्ति भले ही शास्त्र ज्ञाता हो पर आदरणीय नहीं है ऐसा सील प्राप्त ग्रंथ में कहा गया है। उत्तम लोग प्राणों का त्याग कर सकते हैं परंतु सील की महिमा रखने वाले ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करते हैं। सीलवान की इंद्र भी आकर पूजा करता है। जो सील धर्म का पालन करते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन कसायों का त्याग करने से ही संभव है। जब तक कसाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो सकता है। और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन तो वो तो पूर्णता 14वें गुणस्थान में होगी। 14वें गुणस्थान में होती है। 18,000 सील के जो भेद हैं उनकी पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है वरना सत्ता में तो रहती रहते हैं। राम के समय की और घटना है। शास्त्रों में आप पढ़ते रहते दो भाइयों को पहुंचा दिया गुरुकुल पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल से जब पढ़कर वापस आए तो देखा अरे हमारे महल में एक सुंदर सी कन्या बैठी है। एक भाई कहता है मैं इससे विवाह करूंगा। दूसरा भाई कहता है नहीं मैंने पहले देखा मैं इससे विवाह करूंगा। बोले ऐसे कैसे करोगे मैंने देखा तो मैं विवाह करूंगा। दोनों में लड़ाई हो गई तलवारें निकल गई। तभी मंत्री आ गया। मंत्री ने कहा राजकुमार हो किस बात पर लड़ रहे हो? बोले वो झरोगी में जो लड़की बैठी थी ना उससे विवाह हम करेंगे। वो कहता हम करेंगे। बोले राजकुमार आपको पता भी है वो कौन है? बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन है। कौन है? तुम्हारी बहन है। जब तुम गुरुकुल में जा रहे थे उसके तुम्हारी माँ गर्भवती थी और तुम्हारी माँ ने एक लड़की को जन्म दिया वही तुम्हारी बहन है। और जैसे ही दोनों राजकुमारों को पता चला उन राजकुमारों ने कहा अरे ये संसार अपनी बहन को कुदृष्टि से देखा। तुरंत दोनों ने महल की तरह रथ जा रहा था तो रथ मोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। दोनों ने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली। ऐसे थे शास्त्रों में भरे पड़े उदाहरण। कौन थे वो? सबको याद है। हम वैसे बैठे बताने के लिए कुलभूषण और देशभूषण वो दोनों भाई जो मुनि बन गए। राम के समय की घटना है। मुनि सूरत भगवान के काल की समय घटना। तीन लोक में
ब्रह्मचर्य ही एकमात्र श्रेष्ठ व्रत है। जो इस व्रत का पालन करता है वह निश्चित सुगति को पालन करता है और सुगति को प्राप्त करता है, सुगति में ही जाएगा निश्चित। एक छोटा सा ज्ञान बैराग का कारण बन जाता है, बस कोई सा भी हो। लेकिन आज का ज्ञान तो बड़ा बड़ा ज्ञान भी दे दो, बड़े बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे चटपटे चटपटे और कड़वे कड़वे और पूरे कठिन कठिन बातों को अगर सरल भाषा में बता दो, बहुत अच्छी बातें बता दो, तब भी बैराग का कारण नहीं बन पाता है। पहले तो बड़ा बैराग का कारण बन जाता था, समझ में नहीं आता पहले और मैं इतना अंतर कैसे हो गया। जीवन में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो महावीर भगवान कहते हैं अपनी दृष्टि को पवित्र करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, अपनी दृष्टि को पवित्र करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझसे पूछा किसी ने कि आप बताइए ना धर्म की परिभाषा, बिल्कुल सरल सी परिभाषा, क्या है धर्म की परिभाषा? तो मैंने तो इतनी सी बात बोली कि परिणामों की निर्मलता ही जिन धर्म है। जिस समय आपके परिणाम सरल हो जाए, निर्मल हो जाए, समझ लेना आप धर्म में प्रवेश कर गए। जिसके परिणाम अच्छे होते हैं वह व्यक्ति कसाई नहीं करता, क्रोध मान माया लोभ नहीं करता, हिंसा झूठ चोरी कुचरी परिग्रह नहीं करता, वो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है। इसलिए अपने परिणामों को अच्छे रखने की आवश्यकता है, अपनी दृष्टि को अच्छी रखने की आवश्यकता है। आपकी दृष्टि अच्छी है तो आप धर्म के पालन करने वाले हैं। अपनी दृष्टि में निर्मलता और पवित्रता लाना ही ब्रह्मचर्य धर्म है। आज हमारी दृष्टि की पवित्रता नहीं है, इसी कारण हम वासना के संसार, महानुभाव वासना के स्तर पर रहकर कभी जीवन के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर जीवन के स्तर तक पहुंचना है तो वासना को छोड़ना पड़ेगा। एक देह का अनुराग है और एक आत्मा का अनुराग है, तो देह अनुराग नहीं होना चाहिए, आत्मा का अनुराग होना चाहिए। देहानुराग और आत्मा अनुराग में बस इतना ही अंतर है जितना वासना और वात्सल्य में अंतर होता है, उतना ही देहानुराग और आत्मानुराग में अंतर है। आपको पता है रानी का सुदर्शन सेठ के प्रति वात्सल्य नहीं वासना थी और सुदर्शन सेठ का रानी के प्रति वात्सल्य था, दोनों में इतना अंतर था। और वात्सल्य के आगे वासना भी हार जाया करती है। सीता के प्रति जो राम का राग था वो आत्मानुराग था, और रावण का सीता के प्रति जो राग था वो देहानुराग था। देहानुराग नहीं आत्मानुराग होना चाहिए। महावीर कहते हैं विवाह भी संन्यास हो सकता है, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं, विवाह भी एक संन्यास हो सकता है। घर में रहकर भी सन्यासी का जीवन जिया जा सकता है, बैरागी का जीवन जिया सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती जीते थे वैसे भी जिया जा सकता है। महानुभाव बस इतना याद रखना, भोग के लिए संतान पैदा करना ये वासना हुआ करती है, और योग के लिए संतान पैदा करना ये साधना हुआ करती है। संतान भी पैदा करो तो मन में ऐसे भाव आना चाहिए कि मेरी संतान अपना कल्याण करे, आत्मा के मार्ग में आगे बढ़े, धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, दिगंबर मुनि और आर्या बने। ऐसे मंगल भावना के साथ अगर संतान भी पैदा करो तो वो संतान पैदा करना आपके लिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। सब लोग कहते हैं जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या घट रही है जैनों की, तो उसकी बढ़ने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। पाटनी जी की बहुत भावना है, बढ़ना चाहिए। मैं भी तो कहता हूं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक संतान अपने लिए रखते हो, कहते हैं हम एक संतान ही रखते हैं, रखते हो एक संतान, रखो एक संतान देश के लिए भी रखना चाहिए। अगर देश सुरक्षित होगा तो आपकी समाज सुरक्षित होगी, समाज सुरक्षित होगी तो आपका परिवार सुरक्षित होगा, और आपका परिवार सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए एक संतान तो देश के लिए भी होना चाहिए, और एक संतान और करना वो धर्म के लिए होना चाहिए, जो आपके धर्म को आगे बढ़ा सके, धर्म की ध्वजा को आगे, पताका को सबसे आगे ले जा सके, ऐसी संतान होना चाहिए। एक धर्म के लिए हो, एक देश के लिए हो, और एक अपने परिवार के लिए हो, कम से इतनी तो हो। एक में कहते बस बहुत है, अब नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि महंगाई है कैसे उनका पालन पोषण होगा, नहीं। कल मैंने बताया था अपने भाग्य का सब लेकर आते हैं,
जिसका जितना भाग होगा उसको मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो उसके भाग्य से मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो, उसके भाग का उसको जरूर मिलेगा। योग के लिए संतान पैदा करो। शास्त्रों में लिखा है चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से ही अर्थ मिलता है, धर्म से ही काम मिलता है, पंच इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंच साधे बिना नरतिरन समान। धर्म करने संसार के सारे सुख मिलते हैं, धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो धर्म पंथ को साधता नहीं है, जीवन में नहीं अपनाता, तो क्या होता है? जानवर और मनुष्य एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। याद रखना, काम में पैदा होना और काम में जीना और काम में मर जाना ये वासना होती है, लेकिन काम में पैदा होना और महावीर के लिए जीवन जीना और महावीर हो जाना ये सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। जो भी साधु है हुए तो काम से ही, बिना काम से तो हुई नहीं। साथ या कीचड़ में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, कमल भी कीचड़ में पैदा होता है। कीचड़ में पैदा होना बुरी बात नहीं है, कीचड़ में जीना बुरी बात है। व्यक्ति कीचड़ में जीता है, हमें कीचड़ में कमल की भांति आकाश में खिलखिलाना है। कीचड़ में कमल की भांति आकाश में खिलखिलाना है, कमल जी कीचड़ में कमल की भांति आकाश में खिलखिलाना है, कीचड़ में कीड़े की भांति दलदल में बिलबिलाना नहीं है। जो वासना में जीता है वो बिलबिलाता है, और जो साधना में जीता है वो खिलखिलाता है। आज सारा संसार बस काम के चक्कर में लगा हुआ है, दो चीजों में फंसा हुआ है, एक तो भोग और दूसरा बोलो ना भोज। एक भोग और दूसरा भोज, भोजन। बस खाने में लगा हुआ है और भोग में लगा हुआ है, बस दोनों में लगा हुआ है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो स्त्री से दूर भागते हैं और एक स्त्री के चक्कर लगाते हैं। एक स्त्री से दूर भागता है और एक स्त्री के चक्कर लगाता है। मैं कहता हूँ, कोई मुझसे पूछे कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की परिभाषा क्या है, तो मैं कहता हूँ उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा वो है ना स्त्री के पीछे भागना और ना स्त्री से दूर भागना। ना स्त्री से स्त्री के पीछे भागना, ना स्त्री से दूर भागना, अभी तो उनके बीच में रहकर अपने आप में रहना, यही उत्तम ब्रह्मचर्य है। सबके बीच में रहो, सबके बीच में रहकर भी अपने आप में रहो, यही उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। महानुभाव कहते हैं नारी बिस्की बेल है, बिस्की बेल है, कौन कहता बिस्की बेल है? जो देखो उसको बिल्की बेल कहते हैं, कहते शास्त्रों में लिखा है बिस्की बेल है। कौन सी नारी बिस्की बेल है? नारी के लिए निंदा करते हैं लोग, नारी ऐसी नारी वैसी। अरे सीता कौन थी? नारी तो थी। त्रिशला कौन थी? नारी तो नारी है, त्रिशला नारी थी, सीता नारी थी, सोमासती नारी थी, चंदनवाला नारी थी, अनंतमती, मैना सुंदरी, राजुल, इतनी नारियां, इतनी नारियों के नाम सुनो आप। क्या नारी नारी बिस्की बेल बोलते हो? नारी नारी मत करो, नारी गुड़ की खान, नारी नारी मत करो, नारी गुड़ की खान। पर नारी से ही तो उपजे हैं तीर्थंकर भगवान, नारी तो है जो तीर्थंकरों को जन्म दे रही है, नारी तो है जिसने विद्या सागर, विराग सागर, विशुद्ध सागर जिसे आचार्यों को जन्म दिया, और जितने साधु संत त्यागी तपस्वी को जन्म देने वाली नारी ही है। तो उस नारी को बिस्की बेल नहीं कहा जा सकता। कौन सी नारी बिस्की बेल है? वह नारी बिस्की बेल है जिसने अपने सील की बाण को तोड़ दिया है, जिसने अपने सील धर्म को खो दिया है, वो नारी बिस्की बेल कही गई है। सील का बड़ा प्रभाव पड़ता है, सील से ही तो अग्नि जलधारा बन गई, सील से ही तो नाग का हार बन गया, और सील से ही तो सूली सिंहासन बन जाती है। वो सील का ही तो प्रभाव है, सील ही मोक्ष का द्वार है, सील ही संसार को हरने वाला है। जैसे किसान होता ना, खेती करता है, फसल उगाता है, फसल में अपनी बाड़ लगाता है,
जिससे कोई जानवर अंदर प्रवेश ना कर सके, उस बाण लगाकर उसकी रक्षा करता है। वैसे ही आत्मा को कसाय रूपी जानवरों से रक्षा करने के लिए सील की बाण लगाना पड़ता है। एक सील की बाण लगी तो कसाय रूपी जानवर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, एक राजकुमार गुरुकुल पढ़ने गया, एक राजकुमारी गुरुकुल पढ़ने गई। राजकुमार गुरुकुल, जिस गुरुकुल में पढ़ने गया, पढ़ाई पूरी हुई, गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बोले गुरुजी जो आप मांगोगे। यहाँ पर राजकुमारी से पूछा गया दूसरे गुरुकुल में कि क्या दोगे गुरु दक्षिणा में? बोले जो आप मांगेंगे। गुरु ने कहा बोले कुछ भी ले लो। तो लड़के ने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया, और लड़की ने क्या ले लिया? कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। संयोग ऐसा हुआ दोनों का विवाह हो गया, दोनों का विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ, विवाह की पहली रात्रि दोनों बैठे हुए, दोनों ने एक दूसरे के कुचेहरे को देखा, और एक कहता है देखो अभी मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम चल रहा है और मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है। अच्छा, बोले स्वामी मैं भी गुरुकुल से जब आई थी तो मैंने कृष्ण पक्ष में व्रत लिया था, मेरा कृष्ण पक्ष में व्रत है। क्या वो पति पत्नी होंगे? कैसी उनकी भावना होगी, कैसी उनकी दृष्टि होगी? दोनों ने एक दूसरे से कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे व्रत का पालन करवाना और हम तुम्हारे व्रत का पालन करवाएंगे, और जीवन भर के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, धारण कर लिया। ऐसे थे वो विजया सेठ और विजया रानी। दोनों ने, लड़की ने शुक्ल पक्ष में और लड़के ने कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अखंड व्रत का पालन किया था। ऐसा होना चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत। राजपुत्री को कुष्ठ रोग हो गया, जब राजपुत्री को कुष्ठ रोग हो गया तो मुनि ने उपाय बताया कि विजय और विजया सेठ चेटानी जो रहते ना, उनके हाथ का स्पर्श किया और जल इसके रोग को दूर कर सकता है। उनके हाथ का स्पर्श किया और जल आया और उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया, और देवों द्वारा पुष्प वृष्टि की गई, और दोनों ने अंत में विजय विजया दोनों ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। उस व्रत के पालन करने का महत्व देखो, कैसा उन्होंने पालन किया। इसलिए अपने जीवन में उस व्रत को पालन करें, अपने जीवन को उत्थान की ओर अग्रसर करें। घर में रहकर भी वैराग्य का जीवन जिया सकता है, सन्यास का जीवन जिया जा सकता है, पर जितना हो सके जबरदस्ती नहीं, शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, कोशिश करें, सब कुछ संभव है। कहा गया है पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो, पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो, आत्मा के जोहरी बन कांच कचड़ा छोड़ दो, फिर हो जाएगा शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण, फिर हो जाएगा शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण। एक बार ब्रह्मचर्य से अपना नाता जोड़ दो। महानुभाव, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ये आपको शिक्षा देता है, अपने जीवन में कल्याण करना, अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो उस धर्म का पालन करें और अपनी आत्मा कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। ओम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। जय बोलिए सूझे लोकारो सोवाणी मस्तके नमः, सदा देते हो दो वाणी भारती तो ये जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागो सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत सो गुरु सेवा निरघन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। बोलिए द्वादश अंग वाणी माता की।
कार्य सर करेंगे।